हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं किश्तवाड़ हेडलाइंस। सबसे पहले फ्रेंड्स, यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम बात करने वाले हैं गांव के टैलेंट की, जो दब रहा है, जिसको आगे बढ़ने का सही तरीके से मौका नहीं मिल रहा है या कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप सब ने सुना है कि हर कामयाबी के पीछे मेहनत करनी है, हर कोई बोलता है ना, किसी कामयाबी पर पहुंचना है तो मेहनत 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 करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इस बात को थोड़ा सा साइड रखते हुए इस बात को ज़्यादा मानता हूँ कि किस्मत और मेहनत से ज़्यादा ना एक इंसान को कामयाबी तक पहुंचने के लिए एक सोच प्लेटफार्म का होना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा रोल जो ज़्यादातर रोल जो प्ले होता है वो प्लेटफार्म का होता है। जी हाँ, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे आपने टाइटल देखा इस वीडियो का कि टैलेंट का दम घुट रहा है, गांव का टैलेंट। तो देखिए, ज़्यादातर जो टैलेंटेड जो भी पर्सनालिटीज निकली हैं आज की डेट में, इतिहास गवाह है कि वो कहीं ना कहीं छोटे गांव से, छोटे कस्बों से निकल के आए हैं। तो इसी तरीके से जैसे आप सबने देखा, कल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पे जगह जगह पे, पूरे इंडिया में जगह जगह पे सेलिब्रेट किया गया और हर कोने कोने से, तो हमारे जेंट के, हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिला। चाहे वो सेंटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, चाहे वो किश्तवाड़ ग्राउंड हो, या वो बाकी जो कस्बे हैं, छोटे तहसील वगैरह लेवल पे, जगह जगह इसके जो नज़ारे देखने को मिले। नो डाउट बहुत अच्छा, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, चाहे वो स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया, चाहे वो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस ने, परेड वगैरह सब प्रोग्राम्स जो भी देखने को मिले, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम देखने को मिले। इसी के साथ साथ एक और जगह से बहुत ही शानदार वीडियो सामने आई, परफॉर्मेंस सामने आई, वो है सरावा गांव, एक पिछड़ा हुआ गांव जो आज डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का एक हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों से अभी तक दूर ही रहता है, हर किसी खास मामलों में, फैसिलिटीज़ के मामले में। तो वहाँ से भी कल जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया, बहुत शानदार, लाजवाब रहा, लाजवाब। अभी आप बोलेंगे कि इससे तो शायद दूसरी जगह भी इससे अच्छी परफॉर्मेंस हुई हो, चौगान ग्राउंड में बहुत शानदार परफॉर्मेंस हुई है, नो डाउट हुई है, लेकिन इस परफॉर्मेंस को मैं नंबर वन परफॉर्मेंस बता रहा हूँ अपने व्यू से। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को ना तो कोई फैसिलिटीज़ इसके रिलेटेड रही है, ना कोई तैयारी के लिए कोई प्रोफेशनल कोचिंग मिली है, और यहाँ तक अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये बच्चे मिडिल स्कूल बार्थना में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और इस स्कूल के हालात आप देखिए, पहले इसके में दोनों तरफ से, एक तरफ से स्कूल के बिल्डिंग है जिसके रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, कंसर्न डिपार्टमेंट, ZDO साहब वगैरह, इन सब से कई बार हमारी बातचीत हुई है। इस माहौल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ इनकी परफॉर्मेंस देखिए, जब इनको थोड़ा सा मौका मिला आगे आने का, तो इनकी परफॉर्मेंस देखिए दोनों तरफ आपके सामने है। बिना फैसिलिटीज़ के, बिना किसी अच्छी कोचिंग के ये ऐसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो जब अगर इनको प्रोफेशनल कोचिंग मिले, इंस्ट्रूमेंट्स मिले, फैसिलिटीज़ मिले, तो ये कैसा कर सकते हैं। और आई एम श्योर कि अगर ऐसे बच्चों को अगर सही तरीके से गाइडेंस, फैसिलिटीज़ मिली, तो कल को जैसे किश्तवाड़ से एक बच्चे समृद्धि सैन या उर्फ केसर, वो उनको प्लेटफार्म मिला, उनको सोर्स मिला, उनके पास टैलेंट था, लेकिन उनके टैलेंट को जब सोर्स प्लेटफार्म मिला, तो नेपाल से उन्होंने गोल्ड लाके दिखाया, नाम किसका, रोशन हुआ कुमार किश्तवाड़ का। लोहिदार से एक बच्चे जिसके हाथ नहीं, पांव से उसने तीर कमान का जो शूट दिखाया, और आज वर्ल्ड लेवल पर उसकी चर्चा हो रही है, आप देख रहे हैं, तो नाम किसका रोशन, हमारे किश्तवाड़ का, हमारे इंडिया का। तो ऐसे ही ये बच्चे भी कल को कुछ भी, कोई भी सामान या कोई भी मेडल ला सकते हैं, लेकिन अगर इनको सही रास्ता मिल जाए तो, सही फैसिलिटीज़ मिल जाए तो। इसी के साथ आपने देखा दूसरे हाई स्कूल सरावा के भी बच्चे, इनकी परफॉर्मेंस भी आप देख रहे हैं, इन्होंने भी ऐसे ही परफॉर्मेंस दी। अभी मैं इसमें आपको रियल वॉइस नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि ये डीजे का म्यूज़िक था, और इस पे कॉपीराइट की वजह से हम इस आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा हमने जो म्यूज़िक है वो चेंज करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके का परफॉर्मेंस इन बच्चों ने कल दिया है। और फ्रेंड्स,
आपको ये परफॉर्मेंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देखिए हर इंसान को बोलते हैं ना कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए होता है, टैलेंट को भी एक आगे प्लेटफार्म और हाथ की ज़रूरत होती है जो उसको खींचे सही जगह पे पहुँचाए। एक हीरे को कोयले की खान से निकालने वाला एक हाथ चाहिए, निकाल के उसको तराशने वाला एक जौहरी चाहिए, तो ये भी वही हीरे हैं। तो क्या मालूम आपके एक शेयर करने से कोई हीरा किसी जौहरे के हाथ में लग जाए तो और उसकी लाइफ बदल सकती है। तो शेयर कीजिए और साथ में किश्तवाड़ की जो कल्चरल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि इन बच्चों की तरफ या इस गांव की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें। इसके साथ साथ और भी बाकी गाँव हैं जो पाडर एरिया में हो या पूरे इंद्रवाल में हो या वो ब्लॉक ठाकरे में हो, गाँव में काफ़ी टैलेंट छुपा हुआ है। तो जैसे डीसी साहब ने और कल्चरल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने मिलकर पिछली बार एक मुहिम छेड़ी भी, लेकिन बहुत सारे गाँव उससे बाहर रहे, उससे छूटे। उसमें एक गाँव हमारा सरवा भी है, तो आगे और भी इन गाँव को मौका देकर या तो इनको वहीं पर कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें या चुनके यहाँ पर इन बच्चों को लाया जाए, सिटी में लाया जाए, ताकि इनको एक मौका आगे बढ़ने का मिल सके। बाकी फिर इनका टैलेंट और इनकी किस्मत आगे डिसाइड करेगी, लेकिन कम से कम एक मौका तो इनको मिलना चाहिए, कुछ फैसिलिटीज इनको मिलनी चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले ऐसे किसी टैलेंट के साथ, तब तक के लिए।